बातों से हमें क्या मतलब है, इन बातों से हमें क्या मतलब। मैंने कहा ना कि मैं न्यायालय में जा चुका हूँ, न्यायालय का जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज। पूरे दरभंगा में अभी एक विषय काफी ज्यादा गर्माया हुआ और चर्चा का भी विषय है कि दरभंगा नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 12 जनवरी को होना है। इससे पहले सभी कहानी आप लोगों ने देखा, तत्समय को लेकर के बार बार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और जो गुमराह की बात कही जा रही है वो तत्समय को लेकर के। हमारे साथ मिच्छू खेड़िया जी हैं, आप जानते हैं कि अभी जो मेयर थी, अभी निवर्तमान मेयर अगर कहें तो वैजयंती देवी खेड़िया उनके पति हैं और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और यहाँ से वो उम्मीदवार भी रहे हैं विधानसभा में। अब कुछ परिपक्व बातें हो जाए कि आखिर ये जो तत्समय को आपने शब्द को जो आपने किया था, ये कहा जा रहा तत्समय जिस समय आपने सिग्नेचर किया था वो तत्समय, वो समय नहीं जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो इसको लेकर के उन लोगों का कहना है जो विपक्षी हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कमिश्नर ने पूरा बात को देखा समझा उसके बाद। देखिए, कमिश्नर की रिपोर्ट अगर आप पढ़िएगा तो कमिश्नर ने स्पष्ट रूप से अपने रिपोर्ट में लिखा है कि तत्कालीन जो तत्कालीन बोर्ड था उसने जो 11-3 की बैठक में निर्णय लिया और उसके बाद महापौर ने जो आदेश निकाला और उसके बाद जो आचार संहिता लग गई, जबकि मैं समझता हूँ कि जो 11-3 की बैठक था उसका भी कोई औचित्य नहीं था क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने अपना बोर्ड का बैठक बुलाया, निर्णय लिया, निर्णय में महापौर को अधिकृत किया, महापौर ने उसे उसको जो है आदेश दिया माफ़ी का और उसके बाद आचार संहिता लगी, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, नया चुनाव हुआ और जो वर्तमान थे उनके सामने लाया गया। तो अब ये आप समझ लीजिए, जब तत्कालीन उन्होंने लिखा तो तत्कालीन का शब्द अर्थ क्या होता है ये आप डिक्शनरी में देख लीजिए, हमें नहीं कुछ कहना, क्योंकि ये मामला कहीं 16-17 का मामला और हम तो 9 जून को आए हैं, चौथा महीना में सारी कार्रवाई पूरी हो गई और जो मैंने देखा है पेप कागजात इन लोगों के, क्योंकि मैं निगम नहीं जाता था, निगम के जो कागजात देखे उससे स्पष्ट है कि उसके बाद जो जब बोर्ड का निर्णय था नगर आयुक्त को लाना ही नहीं चाहिए, ठीक है उन्होंने लाया, इन्होंने अनुमोदन करके सरकार को भेज दिया, सरकार का जैसे जैसे डाटा पहले आया कि नहीं होगा, फिर आया लीगल ओपिनियन, फिर जो ये क्या वेंडर थे उन्होंने आवेदन दिया सरकार को, उस पर लीगल ओपिनियन लेकर के सरकार ने निर्देश दिया, उस पर स्थायी समिति ने निर्णय लेकर सरकार को कहा जाता है कि एक ऐसे स्थायी समिति में सदस्य थे जिन्होंने मेयर डिप्टी मेयर सबको गुमराह करके सिग्नेचर, ये सब करने वाले कहने वाले लोग जो है उनको सिर्फ, मैं पूरे 5 साल को आप देख लीजिए बोर्ड को, इनको किसी विकास से किसी काम से किसी से नहीं मतलब, कुछ बोलना है हा? और मैं तो ये समझता हूँ कि इस एपिसोड में कहीं कुछ नहीं है, सीधा है कि आने वाला चुनाव और इन लोगों को कुर्सी की बहुत ज़्यादा भूख है, हम लोगों ने कुर्सी की भूख नहीं है, हम लोगों ने काम किया है, जनता को जनता देख रही है, 10 साल में इन लोगों ने क्या किया और हम लोगों ने 4.5 साल में किया, ये लोग सिर्फ इसलिए कि इन लोगों की छवि को खराब करूँ ताकि आने वाले चुनाव में, बस मैं इस एपिसोड का अर्थ इतना ही समझता हूँ, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी जो निकला है कि 12 जनवरी को चुनाव होंगे नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर के, तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? हम इसको किसी रूप में भी नहीं देख रहे हैं, चूँकि इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी रीट याचिका की है, रीट याचिका की सूचना विभाग को, नगर निगम को, जिला पदाधिकारी को, सबको दे दी गई, उसके बाद विभाग अपना काम कर रहा है, चूँकि अभी कोर्ट बंद है, 2 तारीख को कोर्ट खुलेगा, उसके बाद 3, 4, 5 तक कोर्ट का जो निर्देश आएगा उस पर कार्रवाई होगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये बातें मिच्छू खेड़िया जैसे परिपक्व राजनीतिज्ञ के नज़र में नहीं है और ये पहले ही सिग्नेचर करवा दिया गया था और इसके लिए जो राशि आई थी उस राशि का भी बंदरबांट हुआ, कुछ पार्षदों ने जिन्होंने लिया भी वो भी अनौपचारिक रूप से कह रहे हैं कि ये पैसे की बंदरबांट। देखिए, ये सब बेतुक की बातें, अगर उसको राशि ही देनी रहती तो राशि जमा ही कर देता ना, क्यों किसी को राशि देता, ये सब कह तो रहे आप लोग मीडिया के स्तंभ हैं, ये सब बेतुक की बात है और इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो लोग शब्दों का भी
जो उदाहरण दे रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी आपकी, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, ये कोई घोटाला नहीं है, ये एक निर्णय है। आपको लग रहा है कि गलत है, हमको लग रहा है सही है, न्यायालय इसका निर्णय करेगा। खाली मैं एक लाइन कह दिया ना, ये सिर्फ जनता को गुमराह करके इन लोगों की छवि, जो कि इन लोगों ने काम किया है, इन लोगों की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, बाकी ये सब कुछ नहीं है। और जनता भी इस बात को समझ रही है, जो लोग बोल रहे हैं उनको जनता भी समझ रही है, आने वाले समय में सबका। अच्छा, लेकिन ये जिन शौचालय का छूट दिया गया था, जिन 3 शौचालय की बात जो चली, क्या उसका सर्वेक्षण किया गया था? जो आपकी कमेटी है, मैंने जो नगर निगम के मेयर द्वारा कमेटी बनाई थी, वास्तव में ये छूट के लायक है नहीं? और पहले ही शायद ये कह दिया गया था कि ये जो स्थिति में है आपको इसी स्थिति में लेना है और जो राशि है वो देना है। आप इसको संचिका में देखिए, निगम से देखिए, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है, ये सही नहीं है। फाइल क्या कर रहा है उसमें निगम के इंजीनियरों की रिपोर्ट है, जिस बोर्ड में अगर ये किया गया उसमें इंजीनियरों की रिपोर्ट है, उस पर ये लोगों ने निर्णय लिया और वो निर्णय लेकर के महापौर ने उसको माफी की। ये सब फाइल की चीज, आप फाइल को देख कर जनता को हकीकत बताइए ना, महापौर क्या कर रहे हैं, मिठू खेड़िया क्या कर रहा है, विरोधी क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, इससे क्या मतलब है? सच्चाई तो निगम में है। ये तो क्या लगता है कि ये निगम के अंदर अधिकारी स्तर पर भी कहीं चूक हुई है? मैं तो जान रहा हूँ ना, तो चूंकि सरकार का स्पष्ट आदेश है, अपर सचिव का आदेश है कि तत्कालीन लोगों की सूची भेजी जाए, नगर निगम ने जो सूची भेजी है उसके अंदर जो कवर नोट है नगर आयुक्त का, उस पर तत्कालीन शब्द लिखा हुआ है, उसके बाद ये सूची कैसे चली गई, इसका जवाब नगर आयुक्त से लीजिए या सरकार के जो लोग। तो आप लोगों ने इसका उस समय आप लोगों ने इग्नोर क्यों कर दिया इसको? क्योंकि आपके पास पूरा समय था, कमिश्नर के जो रिपोर्ट थे उसको आपने विश्लेषण करके उस समय आपको जाना चाहिए था कोर्ट में, नगर आयुक्त ने जो गलत शब्द का व्याख्या किया उसको आपको जाना चाहिए था। नगर आयुक्त ने जो सरकार ने आदेश दिया तत्कालीन का, उसका प्रयोग किया, और ये डॉक्यूमेंट तो ये नगर आयुक्त का कस्टोडियन चीज है, महापौर के पास थोड़ी आता है सर। उनके पास विभाग की चिट्ठी आती है, उस विभाग के संचिका में जो बातें रहती हैं सरकार को भेजते हैं। आप जो बार बार कहते हैं आप लोग, हम लोग के संज्ञान में संचिका महापौर के सामने आई हो, स्टैंडिंग कमेटी ने अपना निर्णय लिया, अगर वो निर्णय गलत था तो नगर आयुक्त उसको लागू कैसे कर दिया? नगर आयुक्त क्यों बैठते हैं फिर? ये बोर्ड या नगर स्थायी समिति कोई भी गलत निर्णय लेता है तो नगर आयुक्त का दायित्व है कि अगली बैठक में उसकी विचार रख करके उस समय कहेंगे वो गलत है, ये नहीं हो सकता है। सरकार भी बहुत सारे डिसीजन ले दिए हैं, उसको भी चीफ सेक्रेटरी बताते हैं, सरकार किसी डिसीजन बदलते हैं, हाँ साहब ये गलत है, ये नगर आयुक्त का काम है। अब क्या करेंगे, क्योंकि चुनाव भी सामने है और एक अलग माहौल तैयार किया जा रहा है। अभी मेयर डिप्टी मेयर को लेकर के उम्मीदवार भी खड़े हो गए हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि अब जो पहले साथ साथ लड़ रहे थे वो भी अब अलग अलग दावेदारी कर रहे हैं। तो सर, इन बातों से हमें क्या मतलब है? इन बातों से हमें क्या मतलब? मैंने कहा ना कि मैं न्यायालय में जा चुका हूँ, न्यायालय का जो निर्देश होगा उसका पालन करूंगा। अगर स्टेटस को लगता तो हमको कोई मतलब नहीं है, लगेगा तो स्टेटस को लगेगा, जो भी लगे और न्यायालय के निर्देश के बाद सरकार उस पर काम करेगी, तब उस पर निर्णय लिया जाएगा। अभी हम क्यों इस पर दिमाग लगाएं कौन चुनाव होगा नहीं होगा, क्या मतलब? तो हम बता दें, पूरा नगर निगम क्षेत्र के साथ दरभंगा के वार्ड जो पार्षद हैं उन लोगों के बीच भी राजनीति अब तेज हो गई है। खासकर लोग अब संपर्क भी साधना प्रारंभ कर दिए हैं वार्ड पार्षदों से कि मेयर के लिए ये दावेदार हैं, मेयर के लिए वो दावेदार हैं, और इसका चुनाव होगा, डिप्टी मेयर का होगा, अभी से किए जा रहे हैं। लेकिन 3 तारीख तक अगर दबे शब्दों में वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर 3 तारीख तक अगर कुछ फैसला कोर्ट का आता है उसके बाद इस पर कदम आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल सिर्फ यह आ गया है कि 12 जनवरी को जैसे ही मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव की बात आई है उसके बाद से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज, क्योंकि हम इस मुद्दे पर आपको रखेंगे अपडेट, क्योंकि हम जाएंगे उन पार्षदों के बीच। धन्यवाद।